तौर पे पेंटिंग अपने आप में एक वैसी विधा है कि एक व्यक्ति अपने ब्रश से अपनी पूरी दुनिया एक रच रहा है, और निश्चित तौर पे जो लोग ये काम करते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा नहीं है कि फूल बना दिया हो, ये एक एपिसोड है, एक पूरा कथानक इसमें है, पूरा उसका मंतव्य है बनाने वाले का पेंटर, तो ये अपने आप में एक बहुत ही एपिसोड सी चीज़ जब आदमी पेश करता है तो वो अपने आप में एक उसको एक कहा जाए कि अपने आप में मूर्धन्य विधा है। और मुझे टफ क्या लगता है कि मैं निश्चित तौर पर पेंटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं पेंटिंग से सीख सकता हूँ, उसका भाव सीख सकता हूँ कि अभिनय में वो कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। मैं MLA ही प्ले कर रहा हूँ उसमें, जो मूल कैरेक्टर है, और वो तो आप दर्शक देख के ही बताएंगे कि किस तरीके से कहानी और कथा है, और एक है आम व्यक्ति रिलेट कर पाएंगे। ये लगभग मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, और दूसरी मेरी शिक्षा भी इसी में हुई है, मैंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है, और यहाँ आकर थोड़ा सा एक गैप हो गया था, 10 साल के बाद मैंने ब्रश पकड़ा है। इस पेंटिंग का शीर्षक है आत्ममुक्ति, और इसमें देखेंगे कि ये 9 जो लोटस हैं, ये 9 जो हमारे भाव हैं या 9 जो रस हैं, ये वो है। तो जब हम बिल्कुल लीन हो जाते हैं और एक रिदम में अपने आप को ले आते हैं, बिल्कुल आत्ममुग्ध हो जाते हैं, तब ये 9 रस जो है वो हमारे चारों तरफ आ जाते हैं, और एक अलग ब्रह्मांड बन जाता है। तो उस ब्रह्मांड में सिर्फ हम होते हैं, हमारी जितनी भी अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं, जितनी भी रचनात्मक प्रवृत्ति है वो होती है, ये वो है। I don't know if it's the Buddhist is the main theme, लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ सारी पेंटिंग्स में जो मैंने देखी है वो है बहुत calmness. It has a lot of calmness. It has a lot of it gives me a lot of sense of peace. I think he's achieved the title of his exhibition, that's called Tranquility. I think एक बहुत calmness है and बहुत positive energy है यहाँ पर, and that's what I'm liking.